हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हमारी वीडियो रहने वाली है एक वन शॉट मैराथन सेशन, ठीक है, जो कि है जनरल साइंस पे फॉर JKSSB स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट एग्जाम। तो ये हमारा टोटल 100 मार्क्स का जो है ये सेशन रहने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के रिलेटेड मिल जाएंगे। तो हमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ जनरल साइंस पे जो है एक क्लास ज़रूर लाइए, तो इसलिए ये एक वीडियो है फॉर अ रिविजन पर्पज़। 100 क्वेश्चन जो हैं आपको जनरल साइंस पे मिल जाएंगे, एंड आप वीडियो को 2x करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि अब टाइम कम है कि आप फुल क्वेश्चंस के आंसर जो है निकाल निकाल के देते रहें, ठीक है। इसलिए मैंने ये एक वन शॉट मैराथन सेशन लाया है साइंस पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी देन डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। और ये वन वर्ड आंसर रहने वाले हैं, तो हम जल्दी जल्दी जो है ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग ब्लड प्रेशर, तो ये है हमारा स्पिग्नोमीटर, ठीक है। स्पिग्नोमीटर जो होता है इससे हम ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। बैरोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं आप मुझे बताइएगा, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो वो हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है। वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट जो है वो हमारी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है प्रिंसिपल उस पर चलते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो प्रिंसिपल लगा होता है वो होता है इवेपोरेशन का, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर गैस कौन सी यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए CFC जो है वो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होती है, ठीक है। साउंड कैन नॉट पास थ्रू, तो साउंड जो हमारी वैक्यूम के अंदर पास नहीं हो सकती, ठीक है। सोनार स्टैंड्स फॉर, तो सोनार इज यूज फॉर साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। दूर की जो भी साउंड्स जो डिटेक्शन होती है वो हमारी सोनार की हेल्प से होती है, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज, तो वो हमारा टंगस्टन होता है। फॉर्मूला ऑफ लॉफिंग गैस, तो लॉफिंग गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ वन, रेन ड्रॉप शेप इज स्फेरिकल ड्यू टू, तो रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में हमें क्यों दिखती है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। इलेवंथ, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की जो होती है यूनिट वो एम्पियर होती है, ठीक है, मेजरमेंट। उसके बाद इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज एज अ मॉडरेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, वो कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। एंड आप मुझे बताइएगा कि मेट्रोपिया जिनको होता है, ठीक है, वो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। देन ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, ठीक है, इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। फ्रोजन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, फ्रोजन फॉर्म में होता है, उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राई आइस जो होता है वो कौन से केमिकल कंपाउंड से बना होता है, तो वो हमारा फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उससे बना होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड इज कैल्शियम ऑक्सीलेट, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम्स में देखा गया है रिसेंटली कि किडनी स्टोन की फॉर्मेशन जो है वो कौन से केमिकल से होती है, तो वो हमारा होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है। कर्ड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, सबको पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे दही में प्रेजेंट होता है। 19th क्वेश्चन, पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से स्काई, ये तो 7th क्लास का क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, ठीक है। वट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम हेल्प करता है, ठीक है। एंड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट गैस ऑन अर्थ इज नाइट्रोजन, लोएस्ट एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, रेडियो वेव्स की जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लोएस्ट एनर्जी होती है। मेजरिंग स्पीड ऑफ विंड डैश इज यूज, ठीक है, विंड की स्पीड यूज मेजर करने के लिए हम एनीमोमीटर यूज करते हैं। मैंने आपको बैरोमीटर स्टार्टिंग में पूछा है, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। देन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज, तो विटामिन ई जो होता है वो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। प्लेग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि 50 क्वेश्चन होने के बाद आपको कितने क्वेश्चन आते थे। गाइटर इज यूज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो गाइटर जो है वो हमें आयोडीन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, गाइटर हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड भी जो है आयोडीन से ही डेफिशिएंसी से सिचुएटेड होता है, ठीक है, और रिलेटेड होता है। देन 29th क्वेश्चन, किडनी इज अ पार्ट ऑफ, किडनी जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने एक एग्जाम में देखा था, मैंने इसलिए यहाँ पे, मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर आए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक रिविजन पर्पज का हेल्प करेगी वीडियो। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म इन आवर बॉडी, तो ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है।
31st क्वेश्चन, मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर मेक्स, तो जब वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, ठीक है। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस द करंट थ्रू सेम ईच रेजिस्टेंस इज, तो जब एक सीरीज होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की दो या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन में, तो जब करंट उससे पास होती है रेजिस्टेंस से, तो वो हमारी करंट जो होती है वो सेम में रहती है, ठीक है। देन 33, डिक्रीज इन WC काउंट कॉजेज, ठीक है, WC जो है हमारे व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स जब कम हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। उसके बाद है डिक्रीज इन ब्लड प्लेटलेट्स काउंट कॉल्ड, तो जब ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ठीक है। मुझे बताइएगा कि ल्यूकीमिया क्या होता है, ठीक है, ल्यूकीमिया क्या होता है। ल्यूकोपीनिया हमने पढ़ लिया कि डिक्रीज इन WBCs है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स काउंट में जब कमी हो जाती है। 35th क्वेश्चन, लार्जेस्ट एलिमेंट इन यूनिवर्सेस, तो यूनिवर्स में लार्जेस्ट एलिमेंट जो पाया जाता है वो है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। एबंडेंट गैस हमने पढ़ी है, नाइट्रोजन है, ठीक है। 36th क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल इकोसिस्टम इज, तो ओशंस जो हैं वो हमारे मोस्ट सुटेबल इकोसिस्टम है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया भी है। 37th, एलिमेंट फाउंड ऑन सर्फेस ऑफ मून इज, तो हमारा टाइटेनियम है। 38th, एट्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो एड्स जो है वो हमारा 1 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और डेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज और उनके रिगार्डिंग जो भी इस ईयर थीम्स हुई हैं, ठीक है, वो आपको ज़रूर पढ़ के जानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत से एग्जाम्स में देखा है कि किसी भी डे को उठा के पूछ लेंगे कि ये दिन कब मनाया गया था, या उसकी थीम पूछ लेंगे कि इस साल उसकी थीम क्या थी, ठीक है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। 39th, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, तो फॉसिल्स की स्टडी को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। 40th क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ यूरिया इज, यूरिया के केमिकल नेम क्या है, कार्बामाइड। स्कर्वी इज द डिजीज ऑफ स्किन, ठीक है, स्कर्वी जो है वो स्किन की डिजीज है। स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होता है ये मुझे बताइए आप कमेंट में। 42 क्वेश्चन, हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, तो है डायमंड। काफ़ी बच्चे सोचेंगे स्पीड बहुत ज़्यादा है मैम की, बट ये वीडियो है ही इसीलिए कि आपका एक रिवीजन पर्पस हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शंस टाइप नहीं लाया 4, क्योंकि आपको एक रिवीजन करवानी थी, अभी टाइम बहुत कम है, तो वो मॉक टेस्ट टाइप ऑप्शन वाला मैंने ये सोचा कि 100 क्वेश्चंस का ही एक मैराथन सेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, एंड मुझे चाहिए कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस इनमें से आते थे, ठीक है, एंड मैं सबके कमेंट्स चेक करती हूँ, आप जाके देख सकते हैं, मैं हर एक बच्चे का कमेंट जो है वो जरूर चेक करती हूँ, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, तो वो है हमारा डायमंड, ठीक है। 43rd क्वेश्चन, डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये सबको पता होना चाहिए, बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। 44th, ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, तो उन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। 45th, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड, तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या दूसरा नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जो भी मैं कमेंट्स में बोलती हूँ पूछती हूँ वो आप सब जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। सो आप मुझे बेकिंग सोडा का आंसर बताइएगा कि उसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। 46th क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर की SI यूनिट है केल्विन, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है। 49th क्वेश्चन, राइज ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर, तो बैरोमीटर में जब मर्क्यूरी का राइज होता है तो उसको हम फेयर वेदर बोलते हैं, ठीक है। एंड अभी मैंने आपको बैरोमीटर का क्वेश्चन भी पूछा था, आई होप सबको आंसर मिल गया होगा। 50th क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, तो वो रिचर्ड स्केल जो होता है उस पर इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक की वो मेजर की जाती है। 51st, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो है वो हमारी कैपिलरीज, ठीक है, एंड लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, aorta जो है, ठीक है, aorta लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स हैं और स्मॉलेस्ट जो है वो है कैपिलरी। 52nd क्वेश्चन, डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी ट्रीटेड बाय, तो कलर ब्लाइंडनेस का डिफेक्ट जो है वो ट्रीट किया जाता है विटामिन ए से, ठीक है, विटामिन ए आपको पता होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से ही होता है। 53rd, सलेवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, मुंह में ही ये जो है स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन की प्रोसेस सबसे पहले जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे होती है, तो ये माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। 54th क्वेश्चन, मिल्क इज द पोअर सोर्स ऑफ, तो मिल्क में जो है आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो वो है कैरेट, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन सॉलिड, सॉलिड आपको पता है सॉलिड फॉर्म में क्यों आ जाती है चीज़, क्योंकि उनके अंदर जो है मॉलिक्यूल जो होते वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आके एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। 57th, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, उससे होता है ज़ीरोथैलमिया, और नाइट ब्लाइंडनेस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। 58th क्वेश्चन, बायोटिन प्रेजेंट इन विटामिन B7, B7 जो होता है वो बायोटिन उसके अंदर होता है, और ये बायोटिन वाला क्वेश्चन JKSSB के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। 59th, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, उसको बोलते हैं टिश्यू। 60 क्वेश्चन, विच सरफेस डजंट रिफ्लेक्ट लाइट, तो ब्लैक सरफेस सबको पता होना चाहिए लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है।
61 क्वेश्चन, विटामिन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो यूरिन में जो विटामिन एक्सक्रीट होता है उसको विटामिन सी बोलते हैं। उसके बाद 62nd, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो वो होते हैं नर्व सेल्स। और लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो स्किन है। ठीक है, अगर JKCS भी ऐसे बच्चों को कन्फ्यूज करती है तो आपको वहाँ पर लीवर या ऐसा कोई एंडोक्राइन ग्लैंड का मार्क नहीं करके आना है, आप स्किन ही मार्क करिएगा। ठीक है, उसके बाद 63rd, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो वो है स्टेप्स। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, बट ये है कि एक रिवीजन ज़रूर होनी चाहिए हर बच्चे को, ताकि एग्जाम में बिल्कुल सिमिलर ऑप्शंस आ जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 64th, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन डेंसर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, बेरी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, सॉरी। तो 65th क्वेश्चन है, बेरी जो है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए विटामिन बी के जितनी भी डेफिशिएंसी कॉजिंग है, ठीक है, और जो भी पार्ट टाइप्स हैं वो सब आप याद करके जाइएगा। ठीक है, ऑलरेडी विटामिन्स पे हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। 66th क्वेश्चन, मलेरिया, काला अजर, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय, तो ये प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज प्रोटोजोन है, कौन सी डिजीज मलेरिया उससे होती है, वायरल होती है। ठीक है, ये ज़रूर देख के जाइएगा। 67th क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कोविड जो थी वो कौन सी डिजीज़ थी, कोविड वायरल थी, प्रोटोजोन थी। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। 67th क्वेश्चन, स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज, तो ये है फ्रुक्टोज। एक्सेसिव इंटेक ऑफ नायसिन कॉसेस, तो नायसिन की एक्सेसिव इंटेक से हमारी लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, 69th क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर, तो विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, एंड दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 70th, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन होता है। 71st, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो वो होती है सेलुलोज से बनी हुई। 72nd, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन प्लांट्स इज डन इन रूट हेयर्स, ठीक है, रूट हेयर्स जो होते हैं प्लांट के, वहाँ पर वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। 73rd, डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी ट्रीटेड बाय विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए क्या, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत पीछे क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। 74th, अमंग ऑल ग्रीन हाउस गैसेज विच वन कैन अब्जॉर्ब बोथ इनकमिंग यूवी एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, तो वाटर वेपर्स जो होते हैं ये बोथ इनकमिंग अल्ट्रावायलेट और आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, 75th, गुड ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की जो ओजोन लेयर होती है उसको गुड ओजोन बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यू लाइट्स। 76th, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है, ऐसे ही आइसोटोप्स की डेफिनेशन भी आप सबको याद होनी चाहिए। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। 77th, केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। 78th, सिचुएशन ऑफ नो ब्लड क्लॉटिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग इज कॉल्ड हीमोफीलिया, ठीक है, जिनको हीमोफीलिया जाता है ना, तो उनको अगर कट लग जाता है बॉडी पे तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, वो ब्लड फ्लो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। 79th, आइसोटोप यूज्ड टू रिमूव ब्रेन ट्यूमर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कोबाल्ट 60, एंड ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आया था, मैंने इसलिए यहां पर डाला है। 80th क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। 81, जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन, और ये जो होता है ना दो कम्युनिटीज के बीच में जो इफेक्ट होता है जब ये जोन ऑफ ट्रांजिशन में आ जाती हैं तो उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एज इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है, तो जब दो कम्युनिटीज़ जो हैं इकोसिस्टम में एक ट्रांजिशन जोन के अंदर आ जाती हैं तो वो एक दूसरे को जो है इफेक्ट करने लगती हैं। ठीक है, किसी की कोई चीज़ किसी के साथ मैच नहीं होती, ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। एंड इकोटोन वो रीजन होता है, वो जोन होता है जहाँ पर दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो ट्रांजिशन करती हैं। ठीक है, 82nd क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ बेयर साइड विदाउट अ लाइफ इज कॉल्ड न्यूडेशन, ठीक है। न्यूडेशन जो होती है ये फर्स्ट प्रोसेस होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन की, जहाँ पे बेयर साइड पे जो है एक न्यू लाइफ जो है वो डेवलप करती है। 83rd, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड्स, एंड क्यों, क्योंकि एल्टोनियन जो थे उन्होंने ही इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कंसेप्ट दिया था। 84th, इंटरनेशनल वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व ऑन 2 February, ठीक है, 2 February को इंटरनेशनल वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। 85th क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कोलेजन की फॉर्मेशन में विटामिन सी हेल्प करता है। 86, दोज प्लांट्स विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर आर कॉल्ड ब्रायोफाइट्स, ठीक है, उनको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। 87th, ऑर्गेनिजम्स दैट इनटेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकिंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। 88th क्वेश्चन, यूरिया इज फॉर्म्ड इन, ठीक है, लीवर। 89th क्वेश्चन, विटामिन हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम आपको पता है उसकी के लिए होता है। 90th क्वेश्चन, विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क करके चलिए, ये एग्जाम्स में देखा गया है। तो एसिटिलीन जो होती है ना आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करती है।
91st क्वेश्चन, विच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट एड्स? तो एड्स डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट जो है वो किया जाता है. 92nd क्वेश्चन, एलपीजी गैस चीफली कंटेन्स? तो एलपीजी के अंदर ब्यूटेन होता है, और ये क्वेश्चन एनजेके सिस्बी ने भी पूछा है. 93rd क्वेश्चन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस इज बिटवीन अर्थ एंड सन? अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और ये क्वेश्चन एमटीएस के एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया है. 94th क्वेश्चन, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन? तो फ्रीक्वेंसी जो होती है उस पर डिपेंड करती है पिच ऑफ साउंड, ठीक है, कितनी रहने वाली है. 95th क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज 46. 96th क्वेश्चन, टाइलिन इज फाउंड इन? टाइलिन जो है ये एंजाइम जो है सलाइवा में पाया जाता है. 97th क्वेश्चन, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ? तो ये बर्ड्स का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है वो यूरिक एसिड होता है. 98th क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज अटैच टू द एंड ऑफ अ मैचस्टिक? तो ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी में पूछा गया है. तो रेड फॉस्फोरस जो होता है वो लगा होता है मैचस्टिक के एंड पे, जिसकी वजह से जो है मैचस्टिक बर्न करती है, ठीक है. 99th क्वेश्चन, लाइफ सेविंग हार्मोन इन ह्यूमंस इज? तो उसको बोलते हैं एड्रेनल हार्मोन, ठीक है. ये इमरजेंसी हार्मोन होता है, जब भी जैसे आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आप एकदम से रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि आपको लग गई है. तो ये हार्मोन जो है इमरजेंसी हार्मोन जो है ये आपको बताता है, ठीक है. तो इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं और लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है. 100th क्वेश्चन, विच विटामिन इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर इन आवर बॉडी? तो विटामिन डी जो है ये मोस्ट रेडिली हमारी बॉडी के अंदर ही मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है. एंड इसको इसकी कमी से बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, आजकल लोगों को विटामिन डी की ही कमी हो रही है, ठीक है. 101 क्वेश्चन है, क्लाउड सीडिंग इज अनदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल रेन? ठीक है, आर्टिफिशियल रेन को जो है क्लाउड सीडिंग का नाम भी दिया जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये मैराथन सेशन अच्छा लगा होगा. मैं चाहती तो मैं इस वीडियो को काफ़ी लंबा खींच सकती थी चार चार ऑप्शन रख के, लेकिन मुझे लगा कि आपको अभी एक रिविजन चाहिए, ठीक है, साइंस पे. तो मैंने इसलिए 100 क्वेश्चन का ये सेशन लाया, वन शॉट वन आंसर क्वेश्चन था ये. आप मुझे बताइएगा अगर आपको इस तरह की एक और वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके एग्जाम से पहले ये वीडियो लेके आऊँगी. एंड अगर मैंने जो भी बीच में क्वेश्चन पूछे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा. मैं सबके कमेंट्स चेक करती हूँ एंड सबको रिप्लाई देती हूँ. एंड जो भी अपना बताइएगा कि आपको इन में से 100 में से कितने क्वेश्चन आपको सच में आते थे, ठीक है, तो ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा. एंड अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं. इस एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच.